बिस्मिल्ल रही हम लोग बात कर रहे हैं करेंसी रिस्क मैनेजमेंट की वट आर द वेज वट आर द स्ट्रेटीज विच वी कैन यूज़ टू हैज यार सेल्फ फ्राम करेंसी मूवमेंट ये वो के एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसलिए हम इस पर टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं सो मेक श्योर यू हैव अ कम्प्लीट पिक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैटर तो अप्रोप्रियट करेंसी मैनेजमेंट में हम आज बात करेंगे वट आर द स्ट्रैटीज विच वी शुड बी यूजिंग फॉर द करेंसी मैनेजमेंट तो टॉप सेवन करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रैटीज जो कि हम इसमें लेके चलेंगे दस तो में हम मेनली ब्रीफ की बात करेंगे बट दिस विल गिव यू एन आइडिया हाउ इट रिलेट। हैव अ क्लियर फॉरेन करेंसी स्ट्रैटी ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वही शुड हैव अ है डॉक्यूमेंटेड स्ट्रैटजी के हमने इसके साथ क्या लेना मे बी वन आर स्ट्रेटजी कुछ कुड भी कि हमने करेंसी को मैनेज रिस्क को मैनेज या हैजिंग नहीं करनी ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है बट जो भी आपका वर्जन है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का व्यू है

आइडियली तो ये भी एक ऑप्शन है कि हम जिस तरह चाइना कर रहा है वो चाइना कहता है अब वट दे आर डूइंग इज दे आर सेग कि आपने हमारे साथ जो ट्रेड करनी है वो हमारी करेंसी में करें विच इज़ अगर देखें ये तो अच्छी बात है अगर उनकी सारी ट्रेड इस तरह हो जाए हिस्टोरिकली दे देव बिन विद डॉलर बट नाउ दे आर शिफ्टिंग टू अर्थ दिस पार्ट तो वो अगर तो इफ़ यू हैव इट इन योर डोमेस्टिक करेंसी नथिंग लाइक इट बिकॉज आप फिर सेफ हो जाते हैं करेंसी रिस्क फैक्टर से बट स्टिल ये सबके पास ये ऑप्शन नहीं है चाइना बींग अ जॉइंट हैव अ मेजर से दे कैन स्टार्ट टू और अभी भी उनका एक वॉल्यूम ही फ्रैक्शन ही इस पर मूव कर सके हैव नॉट कम्पलीटली शिफ्टड बट यू हैव टू सी के लोकल आपके जो कस्टमर्स हैं या जो आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ क्या टर्म्स हैं सो यू शुड हैव ऑप्शन फॉर वट आर द करेंसीज दैट एन बी यूज तो इन वॉइसिंग किस पे होगी बिल पेमेंट किस पे होंगी दैट हैज टू बी टेकन केयर एंड डॉक्यूमेंटेड इन द स्ट्रेटी अदर ऑफर डिफरेंट पेमेंट मैथड्स सिमिलरली प्रजेंट योर कस्टमर्स विद मोस्ट कन्वीनियंट वे टू पे बेस्ड ऑन वेयर दे लिफ अब आप जब इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग देखें हमने मकसद हमारा करेंसी रिस्क को कम करना है ये नहीं करना कि हमने इतना सेफ गार्ड कर लें कि वो ट्रांजेक्शन ही ना हो तो यू शूड फेसिलिटेटिंग कस्टमर्स टू मैक्मम ऑफ दर सेल कि वो जब जहाँ पर पे पेमेंट करना चाहें दे कैन फसिलिटेट एंड यूज़ देयर ओन करेंसी टूल्स टू तो वो पेमेंट मेथड उनका जो अपना प्रेफर्ड मेथड है लाइक मेथड है वो उसके थ्रू पेमेंट कर दें जो सबसे ज्यादा यूज़ मेथड है फॉर ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट दैट इज थ्रू बैंक वायर ट्रांसफर दे आर प्रेफरेबल डेफिनेटली फॉर लार्ज पेमेंट्स बट दे कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड टू प्रोसेस टाइमिंग भी होती हैं डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है एंड यू हैव टू बी टेक केयर विद द रूल्स प्रोसीजर्स एक शॉर्ट टर्म मेयर होते हैं यू कैन पे थ्रू क्रेडिट कार्ड्स और थ्रू सम अदर पे पॉल्स एंड अदर डिजिटल टूल्स बट दे आर नॉर्मली यूज फॉर स्मॉल परचेजिंग जैसे आप ऑनलाइन पर परचेजिंग करते हैं अमेजोन से कोई बुक्स खरीदते हैं या कोई शॉर्ट ऑर्डर्स हैं इन दैट केस यू मे गो फॉर अदर डिजिटल पेमेंट्स बट अदरवाइज वायर ट्रांसफर इज़ द मोर यूज मैथड इंश्योरिंग रेगुलर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है के इंटरनेशनल ट्रेड्स में जब आप जाएंगे फंड्स की पेमेंट्स में जाएंगे तो दीज आर हाईली मॉनिटर्ड दीज आर हाईली रेगुलेटेड सो मेक श्योर यू हैव टू कम्प्लाई विद द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ योर ओन कंट्री एज वेल एज द कंट्री यू आर डीलिंग विद सो वो हो सकता है कि किसी मुल्क में स्पेसिफिकली एक करेंसी में रिमिटेंस अलाउड ही ना हो तो यू हैव टू टेक केयर विद डैट के जी वहां पे कैसे ये ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर होगी सो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर एप्लीकेबल बोथ इन योर कंट्री एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द इन अदर कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज जिनसे आप ट्रेड कर रहे हैं सो वी हैव टू अबाइड विद रूल्स विद ऑल विच आर एप्लीकेबल ऑन आस मैनेज कैश फ्लो एफिशेंटली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज

इमेजिन सिचुएशन वेर योर फंड ट्रांसफ़र टेक्स सेवल डेज एंड यू आर अनएबल टू ट्रेस इट अंटिल इट रीच इट्स फाइनल डेस्टिनेशन क्योंकि ट्रांजिट टाइम भी होता है और उसके चैनल भी हैं प्लस अगर कोई एरर्स आ जाते हैं दैन दैट कैन भी ट्रिकी सो आपको अपना जो प्रोसेस है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट शुड भी वेरी एफिशेंट कि आप करेंसी पे बहुत ज़्यादा देर बिकॉज ऑफ इनफिशेंटली इनएफिशंसीज की वजह से आप जो है वो अटैच ना रहे यानी कि आपने खुद जो चीज़ पाँच दिन में हो सकती थी आपने उसके दं पंद्रह दिन में लगा दिया तो यू आर मेकिंग इट एप्लीकेबल ऑन यू ऑन योर ओन सच अनसर्टेनिटी इज़ नॉट गुड फॉर एनी बिजनेस बिकॉज आपको ट्रांजिट पैसों का नहीं पता इस वक्त ट्रेल में कहाँ पे है वेयर इज इट फॉलिंग सो यू शुड बी वेल फेमिलियर विद द प्रोसेस और आपको कैश फ्लो को अच्छे तरीके से मैनेज करना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग बोरोड मनी तो आप अगर आपने एफिशेंटली पेमेंट रिसीव नहीं की या टाइमली पेमेंट नहीं की तो यू मे बी पेइंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यू मे बी लूजिंग सम डिस्काउंट्स तो वो सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर रही होती हैं इनश्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर इन्वाइसिंग एंड पेमेंट सिस्टम दैट गारंटी दैट इंक्लूजन ऑफ करेक्ट फीस एंड आइडेंटिफाइज इन योर ट्रांजेक्शन इट शुड बी ऑल्सो लॉक फॉरेक्स रेड एंड ट्रैक फंड ट्रांसफर तो जो फॉरन करेंसी के जो रेट्स हैं ये आपको अपनी अफेक्टिव फंड मैनेजमेंट में इन करने हैं और आपको टाइमिंग्स का स्पेसिफिक ख्याल करने के वट मैथड वट चैनल शुड बी यूज इन वट सरकम इम्प्लीमांड इम्प्लीमेंट सेंट्रलाइज मल्टी फॉरन करेंसी ट्रेगरी मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है इस पर थोड़ा टाइम फॉर एग्जाम्पल आपने एक मुल्क से एक यूरोपियन uh, कंट्री से इम्पोर्ट की हुई है टेन थाउजेंड यूरोज़ की दैट मीन यू हैव टू पे टेन थाउजेंड यूरोज राइट यू सिटिंग इन पाकिस्तान एंड यू हैव टू पे टेन थाउजेंड इसका मतलब है आपको फॉरेन करेंसी का रिस्क है सिमिलरली आपने एक ऑर्डर की सेलिंग की हुई है टू अन अदर यूरोपियन कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट एट थाउजेंड डॉलर लकी ली टाइम फ्रेम इज़ सिमिलर वो भी आपने पेमेंट तीन महीने बाद करनी है और ये आपको एट थाउजेंड की जो पेमेंट आनी है ये भी तीन महीने बाद आनी है अब सेलिंग डिपार्टमेंट फ़र्क है परचेजिंग डिपार्टमेंट फ़र्क है तो अगर तो हम कहें कि इफ इट्स ए लैक्स द कोऑर्डिनेशन वो क्या करेंगे जो जिन्होंने पेमेंट करनी है वो दस हज़ार को हैच कर रहे होंगे जिन्होंने रसीड करनी है वो एट थाउजेंड को हैच कर रहे हैं विच विल बी स्टूप हमें दस हज़ार की पेमेंट करनी है आठ हज़ार तो हमें आ जाना है हमारा ओपन रिस्क कितना है टू थाउजेंड सो वी शुड ओनली हैज थाउजेंड तो यू कैन सी कि पेमेंट्स हमारी एक्सपेक्टेड हैं टेन थाउजेंड और यहाँ पे जो रसीड एक्सपेक्टेड है वो एट थाउजेंड की है इस पर्टिकुलर करेंसी में तो हमारा नेट एक्सपोजर टू थाउजेंड यूरो का है तो हमें सिर्फ इसकी हेजिंग करनी चाहिए सो दिस दिस रिड्यूस मिस्टेक्स सच एज़ फंड बीइंग डोमिनेटेड इन रॉन्ग करेंसी कि हम एक्स्ट्रा दस हज़ार की पेमेंट को हज कर रहे हो एक्स्ट्रा आठ हज़ार की रिसीट को हज कर रहे हो जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है तो ये सेंट्रलाइज का, का काम ये होता है कि सपोज ये सेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन में भी हो सकता है ब्रांचज़ में भी हो सकता है कि मेरी एक लाहौर वाली ब्रांच में दस हज़ार की रिसिटेबल है रिसिवेबल है और मेरी एक फैसलाबाद वाली ब्रांच में फिफ्टीन थाउजेंड पेबल है तो आई शुड हैव अगर पिक्चर एंड कम्प्लीट व्यू तो मुझे पता होगा कि मेरी नेट रसीड कितनी है मुझे उसकी हैजिंग करनी चाहिए देन आर लास्ट स्ट्रैटर्जीज एडॉप्ट एन ऑटोमेटेड पेमेंट सोल्यूशन ये हमने पहले भी ब्रीफली बात की थी कि वी शुड मूव टूवर्ड सोफिस्टिकेटेड एंड डायनेमिक सॉफ्टवेयर तो ये पेमेंट्स का भी स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा वेल well स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए यू आर टीम माइड फाइंड इट डिफिकल्टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ करेंसीज कॉम्प्लीकेटेड पेमेंट प्रोसेस एंड टाइड्स कैजूअल सो वट वी शुड हैव इज वी शुड हैव एन ऑटोमेटेड सोल्यूशन जो कि टाइमिंग वाइज बेहतरीन रेट के तो मुताबिक जब हमें बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं जब बेस्ट पॉसिबल रेट्स हो रहे हैं और हमारे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बेस्ट हैं वो दो सिस्टम शुड एडवाइज एंड टेल दस वेन टू मेक पेमेंट तो फिर तो वो हमारी याददाश्त पर लिंक नहीं होना चाहिए इट शुड बी स्ट्रक्चरड इन सच वे कि वो हमारी

आप क्योंकि अगर इफ़ यू है मल्टीपल पेमेंट्स एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर तो उसमें ये सारी चीज़ों को वो बिल्ट इन करके द सॉफ्टवेयर एंड टूल्स विल हेल्प यू पे मैनेज रिस्क एंड इट कि वो आपको सेफ गार्ड भी करें थैंक यू